फ्रेंड्स इस वक्त आप मौजूद हैं यहाँ नीलावान के एरिया में। ये पहाड़ों के दरमियान आप बहुत खूबसूरत एरिया देख सकते हैं। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर नीलावान आबे शिफा चश्मा पे, ठीक है। इस वक्त हम मौजूद हैं नीलावान आबे शिफा का चश्मा है ये। बेसिकली आप देख सकते हैं ये पाइप, ये जो सामने पाइप आ रहा है, ये जो सारा पाइप आ रहा है, ये यहाँ पर इस एरिया में करके एक चश्मा है, इस एरिया में करके चश्मा है। बेसिकली पानी वहां से आ रहा है और इस पाइप की जरिए से पानी को इस स्विमिंग पूल में लाया जा रहा है। और ये स्विमिंग पूल तकरीबन 5 फुट गहरा है यहाँ पर इस वक्त। ये 5 फुट गहरा स्विमिंग पूल है ये वाला। और यस आई एम कमिंग, ये 5 फुट गहरा चश्मा है। उसके बाद ये पानी को वहां से पानी आ रहा है, इस पाइप से पानी आ रहा है, वहां से आप देख सकते हैं ये पानी यहाँ से निकल रहा है और इस स्विमिंग पूल के अंदर पानी ये आता है, फिर ये पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है। क्योंकि कहते हैं कि बहता पानी जो है वो हमेशा पाक होता है, तो इस पानी को एक तरह से इन्होंने बहता पानी बनाने के लिए यहाँ से पानी को इन्होंने एग्जिट भी दिया है। ये पानी बिल्कुल साफ सुथरा ब्लू पानी है। अगर हम किसी सिटी में रहकर यहाँ किसी स्विमिंग पूल में नहाते हैं तो वहाँ पर ना हमें इतना मज़ा आएगा और ना वहाँ पर इतना ठंडा पानी होगा और साफ क्रिस्टल क्लियर पानी वहाँ पर नहीं हमें मिलता, लेकिन यहाँ पर हमें बिल्कुल साफ सुथरा पानी मिलता है। ये एरिया बेसिकली आपको बता देता हूँ, नीलावान कलर कहार का एरिया है और आबे शफा का चश्मा जो यहाँ से निकल रहा है और इस स्विमिंग पूल में पानी आ रहा है, ये आबे शफा का पानी है। बेसिकली इसमें नहाने की खास बात ये है कि आपको किसी भी किस्म की बीमारी हो, किसी भी किस्म का मर्ज हो, आपके जिस्म पे दाने हैं या कोई कैंसर वगैरह इस तरह कोई बीमारी है, तो वो आपकी बीमारी अल्लाह के हुक्म से जो है वो दूर हो जाती है। इस पानी की ये बात है। तो इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूं आपका होस्ट फहद सुल्तान। अल्लाह हाफिज़।